ॐ गणेशाय नमः। ॐ गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा और आज हम बात करेंगे बेसिक्स की। हाई प्रेशर डाइकास्टिंग में बेसिक जो है हमारा कितना इम्पोर्टेंस रखता है उसकी बात करेंगे। और बेसिक्स तो हमेशा इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है कि आपको बेसिक्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्रीज में क्या है कि कितना भी आप सीख लें और सीखने के बाद में कितना ही आप अपने आप को प्राउड फील करें, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आपकी काम का, आपकी लर्निंग का, वो नहीं ला सकते जब तक कि आपके बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिक्स की बात करने वाले हैं। हाई प्रेशर डाइकास्टिंग के जितने मशीन से रिलेटेड, डाई से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं हमारे, उन सब की बात करने वाले हैं। और बेसिक की जब हम बात करेंगे तो ये ट्रेनिंग सेशन जो है, ये जो वीडियो है, ये थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इसलिए मैंने इसको प्री प्लान करते हुए तीन पार्ट में जो है डिवाइड किया है, क्योंकि बेसिक्स है, बेसिक्स को जितना डिटेल में हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना ही अच्छा होगा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पार्ट वन के अंदर में हम जैसे बात करेंगे हमारे हाई प्रेशर डाइकास्टिंग की मशीन से रिलेटेड जो है। तो हाई प्रेशर डाइकास्टिंग हमारी है क्या? बेसिकली डाइकास्टिंग आर प्रोड्यूस बाय फोर्सिंग मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर इनटू द मेटल माउल्ड्स कॉल्ड डाइज। मीन्स क्या है, हमारा एल्युमिनियम जो है, जो मोल्टन मेटल है जो हमारा, वो एक हाई प्रेशर पे जो है, एक डिफाइंड प्रेशर पे हमारा, हमारे प्लंजर के थ्रू जो है, हमारे इंजेक्शन प्रेशर के थ्रू जो है, हमारी डाई के अंदर में फिल किया जाता है हाई प्रेशर के फॉर्म के अंदर में। अब हाई प्रेशर के अंदर में क्योंकि हमारी डाइकास्टिंग लो प्रेशर डाइकास्टिंग भी होती है, ग्रेविटी डाइकास्टिंग भी होती है, हाई प्रेशर डाइकास्टिंग भी होती है। वो हाई प्रेशर डाइकास्टिंग इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्यूरिंग द कास्टिंग फिलिंग जो है इसी प्रोसेस के अंदर में मिलता है, हमारे हाई प्रेशर डाइकास्टिंग में ही मिलता है हमारा, जो तकरीबन जो है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है हमारा कास्टिंग प्रेशर इसमें। ओके, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा मशीन है, मशीन के अंदर में इसके मूवेबल क्लैंपिंग प्लेट्स हैं, हमारा लॉकिंग यूनिट है, पिलर है, इन सब की हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। और ये जो इंट्रोडक्शन टू प्रेशर डाइकास्टिंग है, इसके अंदर हमारी साइकिल जो है, हमारा प्रोसेस फ्लो जो है वो किस तरीके का रहता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कि अगर हम लोग एक पॉइंट से पकड़ के इसको चालू करें, सबसे पहले कि हम लोग स्प्रे करते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो, उसके बाद में हमारा कोर इन होता है, उसके बाद डाई ग्लोज होती है, मेटल जो है पोर होता है हमारा शॉर्ट स्लीव के अंदर में। और शॉर्ट स्लीव के अंदर में जो मेटल है वो हमारा दो तरीके से पोर होता है, एक हमारा ऑटो लैडल के थ्रू और एक हमारा मैनुअल के थ्रू, जो हमारी होल्डिंग फर्नेस के अंदर में से लैडल जो है मैनुअल लैडल और ऑटो लैडल के थ्रू आता है। उसके बाद हमारा जो मशीन के अंदर में इंजेक्शन शॉर्ट होता है, उससे हमारा शॉर्ट लगता है, हमारी कास्टिंग फिल होती है, कास्टिंग फिल होने के बाद सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस जो है हमारा वो होता है उसके अंदर में। सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो कास्टिंग जो है अपने एक कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग, सॉलिडिफिकेशन रेट के अकॉर्डिंग जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है सॉलिडिफाई होती है। सॉलिडिफाई होने के बाद में हमारा डाई जो है वो ओपन होता है, डाई ओपन होने के बाद जो हमारी पहले कोर इन हुई थी वो आउट होती है, उसके बाद में कास्टिंग जो है हमारी इजेक्ट होती है। और कास्टिंग इजेक्ट होने के बाद उसको दो तरीक़ों से ही हमारी कास्टिंग को इजेक्ट किया जाता है, बाहर लाया जाता है, टेकआउट किया जाता है, मैनुअली और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के अंदर में हम लोग जो मशीन यूज़ करते हैं, जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, वो क्या होती है हमारी एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर के थ्रू जो है, अब एक्सट्रैक्टर भी हमारे इसके अंदर में
कई एक्सेस में काम करते हैं, जो हमारे रोबोट की फॉर्म में और जो हमारे टू एक्सेस की फॉर्म में जो है काम करते हैं। तो जो काफ़ी हैवी मशीन्स हैं जिनके अंदर में डाइओ के अंदर में मूव करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम लोग रोबोटिक जो एप्लीकेशन है, रोबोटिक एक्सेसरीज जो है हमारे एक्सेलेटर की, वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्लाइड है जिसके अंदर में हमारी मशीन का जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफाइन किया गया है कि हमारी मशीन के अंदर में क्या क्या पैरामीटर होते हैं, जैसे कि लॉकिंग फोर्स होता है जो उसके लॉकिंग फोर्स को, क्लैंपिंग फोर्स को जो है डिफाइन करता है, इंजेक्शन फोर्स है, इंजेक्शन फोर्स हमारा जो हमारे ड्यूरिंग द इंजेक्शन जो है फोर्स काम करता है वो है, हाइड्रोलिक इजेक्शन फोर्स है जो हमारा कास्टिंग को इजेक्ट होते समय कितना फोर्स लगता है, 250 टन की मशीन के अंदर में 15 टन का इजेक्शन फोर्स लगता है, इजेक्शन फोर्स लगता है हमारा। ऐसे ही 400 टन की मशीन के अंदर में हमारा कास्टिंग इजेक्शन फोर्स जो है 22 टन का इजेक्शन फोर्स लगता है। अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, चाहे वो इंजेक्शन फोर्स हो, चाहे वो इजेक्शन फोर्स हो, चाहे हमारा क्लैंपिंग फोर्स हो, ये मशीन के क्लैंपिंग फोर्स के हिसाब से जो है इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इजेक्शन फोर्स हमारा बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे टनेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे कास्टिंग का जो साइज है, कास्टिंग का जो वेट है वो भी बढ़ेगा। तो उस हैवी कास्टिंग को इजेक्ट करने के लिए हमें एक हैवी फोर्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये सारे के सारे वेरिएबल जो हैं इंक्रीज़ होते हैं एज हमारी मशीन का टनेज जो है इंक्रीज़ होता है। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे इसके अंदर में वेरिएबल हैं, जैसे कि हमारा डाई माउंटिंग प्लेट्स हैं जिसको हम लोग प्लेटन कहते हैं, जिसके ऊपर डाई हमारी जो है माउंट होती है, और स्पेस बिटवीन टाई बार, ये भी हमारा जो है डाई डिज़ाइन करते समय इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हमारी किस साइज की डाई जो है किस मशीन पे हमें लोड करनी है, चलानी है, तो उसके लिए ये वेरिएबल ज़रूरी होता है जब हम लोग डाई मैन्युफैक्चर करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे टाई बार के बीच में कितना स्पेस है, ऐसे ही टाई बार का डायमीटर जो है ये दिया हुआ है हमारे टनेज के हिसाब से, मैक्सिमम डाई हाइट जो है वो दी हुई है, मिनिमम डाई हाइट दी हुई है, मीन्स हमारी कितनी विड्थ की डाई जो है उसके अंदर में आ सकती है मैक्सिमम जो है, और मिनिमम जो है कितने विड्थ की डाई जो है उस प्लेटन के बीच में जो है आ सकती है। ऐसे ही ये और इजेक्शन स्ट्रोक है, मतलब कितना इजेक्शन जो है हमारा कास्टिंग का हो सकता है, कितने mm जो इजेक्शन है वो हमारा हो सकता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया विद प्रेशर, मैक्सिमम शॉर्ट वेट कितना कास्ट हो सकता है, और मोटर रेटिंग क्या है हमारी। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे ज़रूरी हैं हमारी प्री मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन के लिए, और ये सारे स्पेसिफिकेशन जो हैं आपके मशीन परचेस करने से पहले आपको जो है देखना बहुत ज़रूरी होता है अपनी मशीन के बारे में, जो आप मशीन परचेस करने वाले हैं। ये एक पिक्चर है हमारे पास हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन के अंदर में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सेसरीज़ हैं जो वो डिफ़ाइन की गई हैं विद पिक्चर जो है, जैसे कि मैं इसकी बात करूं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये इंटेंसीफायर है हमारा हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन का। वैसे मैंने एक वीडियो इसके अंदर पहले भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन की एक्सेसरी जो है 3D मॉडल के अंदर में जो है डिफ़ाइन की हुई है, तो हम लोग इसके अंदर फटाफट जो है रिव्यू कर लेते हैं, और उसका लिंक जो है मेरे उस प्रीवियस वीडियो का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो इंटेंसीफायर है, इंटेंसीफायर हमारे इंटेंसिफिकेशन शॉट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर जो है हमारा फास्ट शॉट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही हमारा ये कंट्रोल वाल्व्स हैं, ऑटोमेटिक लैडल है जो मैं बात कर रहा था आपको, मेटल को पोर करने में हेल्प करता है शॉर्ट स्लीव के अंदर में। ये हमारा शॉर्ट स्लीव है जिसके अंदर हमारा जो मेटल है वो पोर होगा। ये इंजेक्शन सिलेंडर है हमारा, ये टाई बार है हमारा, ये बेड है हमारा, और ये बेड है जो हमारी मशीन का एक बेस होता है,
जिसके अंदर हमारा ऑयल टैंक भी जो है होता है, ऐसे ही ये हमारा ऑटो स्प्रेयर है और जिसके थ्रू हमारा स्प्रेइंग जो है हमारी डाई के अंदर में किया जाता है। ऑपरेटिंग पैनल है जहाँ पे हमारा ऑपरेटर जो है मशीन को ऑपरेट कर सकता है, मैनुअली मशीन को ऑपरेट करा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज़ को जो है ऑपरेट करा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये पैनल जो है एक मैनुअल ऑपरेटिंग के लिए दिया होता है और ये हमारा फिक्स प्लेटन है। ऐसे ही ये पीछे बैक साइड में हमारी टॉगल मैकेनिज्म है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसके अंदर मैं अपने इनपुट वेरिएबल जो है वो इनपुट करते हैं इसमें। तो ये एक ओवरव्यू है टोटल मशीन का। अब हम लोग इसके एक एक एक्सेसरीज़ को भी आगे जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उनके फेलियर मोड के उनके एप्लीकेशन जो है वो जानेंगे। ये एक और डिफरेंट मेक की मशीन है जिसके अंदर भी सेम इंटेंसिफायर, ऑटोमेटिक लैडल, सेफ्टी गार्ड, इलेक्ट्रिक पैनल और इंजेक्शन सिलेंडर वगैरह डिफाइन किए गए हैं, दिखाए गए हैं। ये अलग अलग मेक की मशीनें, मेरा दिखाने का पर्पज़ ये है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हर मशीन के अंदर में सेम रहते हैं। हर हाई प्रेशर डाइगेस्टिंग मशीन के अंदर में ये इंजेक्शन सिलेंडर होगा, चाहे वो दिखने में अलग भले ही हो सकता है बट होगा इंजेक्शन सिलेंडर ज़रूर, इंटेंसिफायर ज़रूर होगा उसमें, एक्यूमुलेटर सिलेंडर ज़रूर होगा उसमें, सेफ्टी गार्ड होगा, शॉर्ट स्लीव होगा, ऑटो स्प्रेयर होगा, ऑपरेटिंग पैनल होगा। हो सकता है कि इस मशीन के अंदर में ये ऑपरेटिंग पैनल देखने में कुछ कैसा हो, इसके अंदर में जो हमारा जो बटन है, जो हमारे ऑपरेटिंग बटन है, वो उसकी लोकेशन जो है कहीं और हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट मशीन मेक्स में, बट उसके अंदर सेम फंक्शन जो है, बेसिक जो फंक्शन है वो सेम रहेंगे सारी मशीनों के अंदर में। तो इसमें कई लोगों का कंफ्यूज होने का कारण यही होता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि बेसिक जो है हमेशा सेम रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। तो हाई प्रेशर डाइगास्टिंग जहाँ भी होगी या हाई प्रेशर डाइगास्टिंग मशीन जहाँ भी होगी, उसमें ये सारी की सारी एक्सेसरी जो है वो सेम होंगी उसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं। ये पैनल है उसका जिसके अंदर में मैं बात कर रहा था कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारी हाई स्पीड, लो स्पीड, हमारे चेंज ओवर जो फेस चेंज ओवर पोजिशन है वो, तो ऐसे ही कई सारे पैरामीटर जो है हमें इसके अंदर इनपुट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल पैनल होता है जो जैसे ये तोशिबा मशीन का है, तो उसके अंदर टोस कास्ट करके सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर में हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों ही जो है देख सकते हैं इसके अंदर में, और उसके हिसाब से हम लोग अपने प्रोसेस को जो है कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये फिक्स प्लेटन है हमारा मशीन का, एक मैंने जूम पिक्चर में आपको करके दिखाया है इसमें। ऐसे ही ये लुब्रिकेशन सिस्टम है हमारा जो बैक साइड में हमारे मशीन के होता है, जहाँ पे हमारा पंप और मोटर जहाँ लगी होती है, तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। ये लुब्रिकेशन सिस्टम हमारे टॉगल के लुब्रिकेशन में जो है काम आता है, हमारे टॉगल की जो मैकेनिज्म होती है उसके लुब्रिकेशन में जो है काम आता है। ऐसे ही ये एक और मशीन का पिक्चर है जिसके अंदर सेम इंटेंसिफायर, एक्यूमुलेटर और रोबोट, जो मैं कास्टिंग को इजेक्ट होने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के लिए रोबोट की जो मैं बात कर रहा था, वो रोबोट इस तरीके का इसके अंदर दिखाई देता है। इसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि हम लोग एक तो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे रास्ता होता है जाने का रोबोट को, वहाँ पे हम लोग इसको मल्टी डायमेंशन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पाथ है वो हम लोग मल्टी डायमेंशन का क्रिएट कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसा भी कॉम्प्लेक्स पाथ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पाथ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इस रोबोट के एप्लीकेशन से। दूसरा, ये आपको कास्टिंग निकालने के साथ साथ जो है आपके कास्टिंग के अंदर में और भी कुछ, जैसे ट्रिमिंग टूल पे रखना है या फिर कहीं कूलिंग के लिए कहीं और स्टेशन पे रखना है, फिर उस स्टेशन से उठा के कहीं कन्वेयर पे रखना है, तो इन सारी की सारी एप्लीकेशन के लिए भी आप जो है इस रोबोट को जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे इसके बराबर में ट्रिमिंग प्रेस है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यही रोबोट जो है आपकी कास्टिंग को इजेक्ट करके इस ट्रिमिंग टूल पे रखने के
काम आ सकता है, जो नॉर्मल हमारे एक्सेप्टर होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट हैं हमारी प्रेशर डायग्नोस्टिक मशीन के, मूविंग प्लेटन, फिक्स प्लेटन, रियर प्लेटन, एक्यूमुलेटर, इंटेंसीफायर, हाइड्रोलिक पंप, टॉगल मैकेनिज्म, डाई हाइट एडजस्टमेंट, लुब्रिकेशन ऑफ मशीन, प्लंजर टिप लुब्रिकेशन, होल्डिंग फर्नेस, ऑटो स्प्रेयर, ऑटो लैडल, रोबोट। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है हम लोग अभी एक एक करके जो है विद पिक्चर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, विजुलाइज करेंगे, जिससे कि हमारा कनेक्शन जो है उन पार्ट से जो है बन पाए, और उसकी अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग प्रैक्टिकली उसको मशीन पे जब हम लोग देखें, अपने शॉप फ्लोर पे देखें, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बनना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम शॉप फ्लोर पे होते हैं, मशीन के सामने होते हैं, बट हमारा कनेक्शन उस पार्ट से बन नहीं पाता कि ये इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, इवन उसका नाम क्या है, वो कनेक्शन भी हमारा उससे बन नहीं पाता। तो आज हम इसके अंदर में ये सारे पार्ट का विजुलाइजेशन के साथ में जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एक कनेक्शन बनाएंगे। इसके अलावा जो और पार्ट हैं हमारे पास, इजेक्शन सिलेंडर है, डाई क्लोज सिलेंडर है, शॉर्ट सिलेंडर है, वॉल्व्स हैं, फिल्टर हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है, कंट्रोल पैनल है, सोलेनॉइड है, लिमिट स्विच है, ट्रिमिंग प्रेस है, वाटर कूलिंग सिस्टम है, मशीन बेस है और टाई बार है। तो अब लोग हम लोग जो है इसको एक एक करके जो है समझते हैं, देखते हैं। तो पहला जो है इसके अंदर एक्सेसरीज और मशीन का हमारा पार्ट जो है वो है मशीन बेस। मशीन बेस जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं पूरी पिक्चर के अंदर में, उसी का मैंने ये पिक्चर कॉप करके जो है इसके अंदर लगाई है। इसमें आप देख रहे हैं कि मशीन के बेस में एक हमारा जो ऑयल फिल करने के लिए टैंक यूज़ करता है, ये मल्टी एप्लीकेशन जो है यूज़ होता है। एक तो इसको बेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं जिससे इसके प्लेटफॉर्म को जो है स्ट्रेंथ मिलती है, मशीन के प्लेटफॉर्म को जो है स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा, इसको हम लोग ऑयल, अपना हाइड्रोलिक जो ऑयल होता है उसको फिल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एज ए टैंक जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द असेंबली ऑफ ऑल पार्ट्स। इसके ऊपर में हमारे हाई प्रेशर डायग्नोस्टिंग के सारे पार्ट जो है वो असेंबल किए जाते हैं, हमारे प्लेटन, हमारा टाई बार, हमारा ऑटो लैडल और इंजेक्शन जो पोर्शन है, हमारा एक्यूमुलेटर, इंटेंसीफायर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस बेस पे जो है असेंबल किए जाते हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्टील शीट, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल टैंक। फेलियर के अंदर में इसके क्या होता है कि ऑयल कंटेमिनेशन, मूविंग प्लेटन शो वॉन, मूविंग प्लेटन जो होते हैं इसके शू जो हैं वो वर्न आउट हो जाते हैं, जिसको हमें बार बार अपने मेंटेनेंस के टीम के साथ में मिलके उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जो इसके अंदर आगे इसके अंदर एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड में बताया है। क्लोज द लिड ऑफ द ऑयल टैंक। कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि हमारा जब हमारी ऑयल को क्लीन करने की जो मशीन्स होती हैं, हम लोग उसको लगाते हैं और लगाने के बाद में उसका कुछ पोर्शन जो है वो खुला रहता है, क्योंकि हमारा जो पाइप रहते हैं फिल्ट्रेशन मशीन के जो हैं वो पूरी तरीके से फिट नहीं आते उसके अंदर में, और कुछ पोर्शन जो है उसका खुला होता है और वो ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, जिसमें डस्ट कंटेमिनेशन के चांस जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसको पूरा टाइट करके हमें रखना चाहिए, अदरवाइज़ उसका फिल्ट्रेशन का उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता है। और चेक द लुब्रिकेशन इन द मूविंग एरिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो इसमें शू जो है वर्न आउट हो जाते हैं, उसमें लुब्रिकेशन जो है प्रॉपर चलते रहना चाहिए, फ्रिक्शन जिससे कम हो और उनका जो वर्न आउट होना है वो कम हो। क्लीन द मूविंग फ्री फ्रॉम द डस्ट, वो जो मूविंग पार्ट है, जो मूविंग बेस है, वो डस्ट फ्री होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। चाहे आप उसको शिफ्ट टू शिफ्ट कर सकते हैं या फिर 24 आवर्स में कर सकते हैं, और वीकली मंथली भी इनका जो है क्लीनिंग का प्लान बना सकते हैं। एबनॉर्मलिटी इसके अंदर ओपनिंग इन द टैंक, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी फॉर्म के अंदर किसी भी कंडीशन में ओपन नहीं होना चाहिए वो टैंक जो है। डस्ट इन द मूविंग एरिया, डस्ट नहीं होनी चाहिए मूविंग एरिया में। नो लुब्रिकेशन इन द मूविंग
एरिया एबनॉर्मलिटी होती है कि हमारा लुब्रिकेशन नहीं चल रहा होता, तो वही है इसके अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि लुब्रिकेशन चाहिए मूविंग पार्ट के अंदर में, डस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी क्लीननेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और टैंक जो है हमारा ऑयल टैंक जो है वो उसका जो टैप है जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। अगला जो है वो है रियल प्लेटन जो है, द रियल प्लेटन इज़ लोकेटेड एट द रियर ऑफ द मशीन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये आपका जो है रियर प्लेटन है जो आपके रियर साइड में मशीन के रियर साइड में लोकेटेड होता है। इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द डाई हाइट, हमारी डाई हाइट को एडजस्ट करने में यूज़ होता है। डाई हाइट मीन्स क्या है हमारा कि हमारी डाई की जो विड्थ है, हमारी डाई की विड्थ के हिसाब से हम लोग इसके प्लेटन के साइज़ को जो है वो एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारी किसी भी विड्थ की जो डाई है वो इसके अंदर में क्लैंप हो सके। जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि एक डाई हाइट मिनिमम और मैक्सिमम था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी डाई जो है मिनिमम विड्थ की और मैक्सिमम विड्थ की हम इसके बीच में जो है क्लैंप कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द डाई हाइट, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ये पूरा का पूरा जो रियल प्लेटन है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। फेलियर के अंदर में टाई बार ब्रेकेज ड्यू टू द रियर प्लेटन शेकिंग, इसके जो नट बोल्ट्स होते हैं वो लूज़ होने के कारण जो है इसमें शेकिंग होती है, शेकिंग होने के बाद टाई बार जो है ब्रेक होने के चांस जो है इसमें बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मलिटी इसके अंदर में माउंटिंग बोल्ट लूज, जैसे मैंने कहा कि बोल्ट लूज़ होने की वजह से ही ये जो प्लेटन है वो शेक करता है, और शेक करने के कारण ही टाई बार पे लोड जो है वो इंक्रीज होता है और उनके ब्रेकेज होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्टिंग गार्ड्स कम आउट, ब्रास पैड माउंटिंग बोल्ट्स ब्रोकन, तो एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड में क्या है, चेक द लूजनेस ऑफ द माउंटिंग बोल्ट्स, चेक द प्रोटेक्टिंग गार्ड इन प्लेस, चेक द लूजनेस ऑफ द ब्रास पैड माउंटिंग बोल्ट्स, जो इसके माउंटिंग है इसको मूव करने की जो पैड है उसके बोल्ट की लूजनेस भी हमें चेक करनी पड़ेगी, वो लूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये शेक करता हुआ जो है आगे मूव करेगा, जिससे हमारे जो टाई बार हैं वो ब्रेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला है टाई बार, द टाई बार आर लॉन्ग सॉलिड कॉलम्स माउंटेड थ्रू द फोर कॉर्नर्स, हमारे फोर कॉर्नर्स के अंदर में इस तरीके की जो स्टील रॉड आप देख रहे हैं, ये फोर स्टील रॉड जो हैं ये टाई बार हैं। अभी लेटेस्ट कुछ मशीनें हैं जिसके अंदर में सिक्स टाई बार हमारे आ रहे हैं, जो हमारे इन चारों टाई बार के बीच में दो टाई बार और दिए होते हैं, जिससे हमारा जो डाई क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म है और स्टैंडर्डाइज और एक्यूरेट जो है हो जाता है उसके अंदर में। द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टाई बार डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मशीन, इट एक्चुअली स्ट्रेच टू डेवलप द फोर्स टू होल्ड द डाई टुगेदर द फोर्स ऑफ इंजेक्शंस, जैसे कि टाई बार जो है यूज़ कैसे होता है और एप्लीकेशन क्या है इनका टाई बार्स का, कि ये ड्यूरिंग द हमारा जब कास्टिंग फिल होता है, जब इंजेक्शन प्रोसेस जो है काम कर रहा होता है, उस समय डाई को ओपन होने से रोकने के लिए हमारे इन टाई बार के ऊपर जो लोड है वो इंक्रीज़ करके उस डाई को होल्ड किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर में पार्ट है हमारी मशीन का, जो हमारे पार्ट की क्वालिटी को भी जो है हमारे डाई कास्टिंग पार्ट की क्वालिटी को भी जो है वो वेरिएट कर सकता है। फेलियर टाई बार ब्रेकर टॉगल बुश वर्न आउट, टॉगल बुश वर्न आउट हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो एबनॉर्मलिटी है वो है अनइवन लोडिंग ऑफ टाई बार। अनइवन लोडिंग ऑफ टाई बार मीन्स क्या है कि हमारा चार टाई बारों के अंदर में अगर हमारी 400 टन की मशीन है तो चारों टाई बार पे इक्वल लोडिंग, इक्वल टनेज ऑफ लोड जो है वो आना चाहिए। इट मीन्स जो है 100 टन ऑन ईच टाई बार, बट एबनॉर्मलिटी होने के कारण या फिर आप ये कहें कि इसके अंदर में कहीं टाई बार लूज़ होने के कारण इसके अंदर में, या टाई बार के बुश के बीच में गैप आने के कारण जो है इसकी जो लोडिंग है वो किसी एक टाई बार पे वो इंक्रीज़ हो सकती है,
जिसकी वजह से उसके अंदर में ओवरलोड होने की वजह से वो टाइबर टूटने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए हम लोग स्ट्रेन गेजिंग वगैरह करते हैं, हर टाइबार पे जो है हमारा लोड चेक करते हैं और बाद में उसको एडजस्ट करके इक्वल लोड जो है हर टाइबार पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डस्ट इन टाइबार, फ्लैश इन द टाइबार, जो हमारी कास्टिंग से निकली हुई फ्लैश है वो टाइबार पे ना आए जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज ना हो, और ओवर हीटिंग द टाइबार्स, ओवर हीट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो बुश होते हैं जिसके बीच में हमारा टाइबार जो है मूव करता है वो एक्सपेंड होने के कारण जो है वो गैप कम हो जाता है और फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ब्रेकेज के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड क्या है, कवर द टाइबार्स टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू टाइबार ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ डाई यूजिंग बर्नर्स, क्लीन द मूविंग एरिया ऑफ द टाइबार, क्लीन द फ्लैशेज इन द मूविंग एरिया ऑफ द टाइबार। टाइबार का क्लीन होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है इसके अंदर में, और इक्वल लोडिंग ऑफ टाइबार जो है वो बहुत ज़रूरी है इसको प्रिवेंट करने के लिए। टॉगल लिंकेज मैकेनिज्म, प्लेटन आर कनेक्टेड टू द टॉगल मैकेनिज्म। हमारे जो ये प्लेटन हैं वो कनेक्ट होते हैं, ये जो रियर वाला प्लेटन था और जो इसका मूविंग प्लेटन है ये आपस में जो है एक हमारे टॉगल मैकेनिज्म के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं, और टॉगल एक्ट्स लाइक ए लीवर, जैसे कि आप ये इधर साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर में कि इस तरीके से जो है ये काम करता है हमारा टॉगल का जो मैकेनिज्म है इसके अंदर में। इट इज़ ऑपरेटेड बाय कॉम्पैक्ट हाइड्रोलिक सिलेंडर, और ये एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू जो है ऑपरेट किया जाता है, जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है इसके अंदर में। तो इससे ये टॉगल मैकेनिज्म जो है कि सारी की सारी जो है ऑपरेट कराई जाती है। फेलियर टॉगल बुश वर्न आउट, सिंपल इसके अंदर भी, और डस्ट एंट्री, नो क्लीनिंग, नो लुब्रिकेशन। देखो बेसिक के अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक हमने जितनी बात की है कि जितनी भी एबनॉर्मलिटी हैं या फेलियर होने के चांस हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक्स जो है वो डस्ट और क्लीननेस और लुब्रिकेशन है, जो कि हर इंडस्ट्री के अंदर में आप बेसिक जो बताए जाते हैं कि आपका चारों तरफ का एरिया जो है साफ़ सफाई होना चाहिए और लुब्रिकेशन होना चाहिए। सिंपल यहाँ भी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं मेजरली जो फाइंड आउट हुई हैं वो यही है कि आपका लुब्रिकेशन और उस जगह का क्लीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फेलियर को रोकने के लिए। तो एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड क्या है, चेक द वाइपर इन द टॉगल बुश, क्लीन द डस्ट इन मूविंग एरिया ऑफ द टॉगल मैकेनिज्म, चेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। अब इसमें प्रैक्टिकली अगर आप देखें ना इस लुब्रिकेशन के अंदर में जो प्रॉब्लम फेस होती हैं वो ये होती हैं कि हमारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम है या तो कहीं से जो उसके पाइप होते हैं वो काफ़ी प्लास्टिक और पीओ के पाइप उसके अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका फ्लैश लग के जल जाना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और दूसरा कहीं पे ब्रेक होके जब तक वो ऑयल हमारा नीचे आके प्लेटन के अंदर मशीन के नीचे आके हमें जब तक नज़र नहीं आएगा जब तक पता नहीं चलेगा हमें। और इसका लुब्रिकेशन जो है वो साइकिल्स पे डिपेंड करता है कि 50 साइकिल या 100 साइकिल या 10 साइकिल के बाद में जो है हमने कितना हमने फीड किया हुआ है। तो इसके अंदर में हमारा चेक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, और हो सकता है कि हमें लुब्रिकेशन नहीं चलने का पता तब चले जब वो चीज़ वर्न आउट हो जाए या फिर उसके अंदर एबनॉर्मल साउंड आने लग जाए, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है उसके अंदर में। और दूसरा कि जो इसके अंदर पाइप लगे होते हैं वो हमेशा जब भी हम रिप्लेस करें तो एक स्टैंडर्ड साइज के पाइप के साथ ही इसको रिप्लेस करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी कहीं और का पाइप, जैसे इसके अंदर में 3 या 2 mm का पाइप जो है इसके अंदर लगा होता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल 3 ना होने के कारण कोई भी नॉन स्टैंडर्ड पाइप का साइज का जो पाइप है हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं, तो एबनॉर्मल लुब्रिकेशन ही वहाँ पे होगा या फिर एक्सेस लुब्रिकेशन वहाँ पे मिलेगा हमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें फेलियर रोकने से। ऐसे ही मूविंग प्लेटन है, इट इज़ मेड ऑफ स्टील, जैसे कि हमारा रियर प्लेटन था हमारा, इट इज़ यूज टू माउंट द मूविंग हाफ ऑफ द डाई, इट इज़ यूज टू ओपन एंड क्लोज द डाई हाफ।
फेलियर ब्रेकेज ऑफ टी स्लॉट, मैक्सिमम जो फेलियर है इसमें वो हमारा टी स्लॉट जो है ब्रेकेज होने के फॉर्म में दिखाई देता है हमारा। और एबनॉर्मलिटी क्या है, रॉन्ग बोल्ट यूज हेक्सागन बोल्ट्स, ये बड़ा प्रैक्टिकल इसके अंदर एबनॉर्मलिटी है कि हमारे जो इसको टी स्लॉट को ब्रेकेज होने के जो चांस हैं वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड जो हेक्सागनल बोल्ट हैं वो यूज़ करना है। कहीं कहीं पे तो मैंने देखा है कि हेक्सागनल बोल्ट ना यूज़ करके इसके अंदर में सिंपली राउंड शेप के बोल्ट ही हम लोग उसके अंदर, एक मैनुअल क्लैंप की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मैनुअल क्लैंपिंग होती है, और ज़्यादातर मैनुअल क्लैंपिंग के अंदर में ही इसके अंदर ये टी स्लॉट जो ब्रेकेज के चांस हैं वहीं मिलेंगे जहाँ पर मैनुअल क्लैंपिंग होती है हमारी। क्योंकि मैनुअल क्लैंपिंग में दोनों ही चीज़ें, एक तो उसकी टाइटनेस और टी जो है हमारा जो बोल्ट है वो हेक्सागनल हो ना हो, ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती है हमारी। तो इसके अंदर में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेस टाइटनिंग वो नहीं होनी चाहिए, और दूसरा हेक्सागनल जो बोल्ट है हमारा वो यूज़ इसके अंदर में नहीं होना चाहिए, हमारा इसके अंदर में जो स्क्वायर शेप का जो बोल्ट है वो यूज़ होना चाहिए। एक्शन टू बी करेक्टेड, यूज़ करेक्ट टी बोल्ट, यूज़ प्रॉपर साइज लीवर मेंबर पाइप। मीन्स जो है कई बार क्या होता है ना कि मैनुअल के अंदर हमने आपने देखा होगा कि एक पाइप का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि कितना लंबा पाइप जो हम उसको क्लैंप करने में या उसको टाइट करने में यूज़ होते हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर में उसके लीवर का जो है स्टैंडर्ड साइज जो है आप बनाएं जिससे कि ओवर टाइटनेस जो है आपकी रुक सके। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि आप एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि लीवर जिससे हम लोग टाइट करते हैं अपने इन बोल्ट्स को उसका स्टैंडर्ड बनाएं, ज़्यादा लंबा ना हो जिससे कि आपका एक्सेस टाइटनेस जो है वो रुक सकती है। फिक्स ब्लेटन, इट इज़ मेड ऑफ ऑल्सो स्टील, इट इज़ यूज टू माउंट द फिक्स हाफ ऑफ द डाई एंड शॉर्ट स्लीव, शॉर्ट स्लीव और हमारे फिक्स साइड की डाई को माउंट करने के काम आता है इसमें। और फेलियर में सेम इसके अंदर टी स्लॉट और ब्रेकेज ऑफ फिक्स प्लेटन माउंटिंग बोल्ट, इनकरेक्ट बोल्ट यूज, लूजनेस ऑफ माउंटिंग बोल्ट, एक्शन टू बी करेक्टेड, यूज करेक्टिव बोल्ट्स और टाइटनेस ऑफ द बोल्ट्स। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जैसे कि आपने देख मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसमें कि ये फास्ट शॉट को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारा लो स्पीड के अंदर में जब इंजेक्शन चलता है तो मैक्सिमम स्पीड जो है हमारी उस दौरान जाती है 0.2 से लेके 0.5 मीटर पर सेकेंड, बट जब हमें हाई स्पीड चाहिए हमें कास्टिंग को फिल करने के लिए तो उस समय हमें एक इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि इस एक्यूमुलेटर के थ्रू जो है हमें मिलती है। तो इट्स अ लार्ज स्टील टैंक स्टोरेज स्टोर हाई एनर्जी डिलीवर एनर्जी ड्यूरिंग सेकेंड फेज हाई वेलोसिटी। जैसा मैंने बताया कि ड्यूरिंग सेकेंड फेज हाई वेलोसिटी जो है इसकी एनर्जी जो है हम लोग यूज़ करते हैं। फेलियर जो है इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेशर लो, नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो लो हो जाना है इसके अंदर में। और एबनॉर्मलिटी जो है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल इन नाइट्रोजन सिलेंडर, नाइट्रोजन लीकेज। तो अब इसके अंदर बात आती है कि फेलियर ऑफ नाइट्रोजन प्रेशर लो, वो नाइट्रोजन जो प्रेशर है वो किधर लीक होता है, वो लीक होता है इसके अंदर में। देखो आप ये जो एक्यूमुलेटर देख पा रहे हैं ये ब्लैडर टाइप का है, बट नॉर्मली जो अभी आजकल जो आ रहे हैं वो पिस्टन टाइप के एक्यूमुलेटर आ रहे हैं हमारे, तो ब्लैडर टाइप के भी एक्यूमुलेटर आते थे जब भी ये नाइट्रोजन जो है लीक होती थी, इसकी जो सील होती है या फिर जो इसका जो ब्लैडर होता है वो जो डैमेज होता है और वो नाइट्रोजन जो है वो ऑयल के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर जो है मिक्स हो जाती है। तो ये दोनों ही चाहे वो पिस्टन वाला हो चाहे वो ब्लैडर वाला हो, दोनों ही केस में इसके सील को लीक होने से ये जो ट्रांसफ़र है नाइट्रोजन का ऑयल के अंदर में जाना वो सील से ही होता है, जो कि एक ऑयल के ओवरहीट होने से डैमेज होती है हमारी। तो एक्शन क्या है, ड्रेन द ऑयल इन नाइट्रोजन सिलेंडर, चेक द करेक्ट द लीक पॉइंट बाय द यूज़ ऑफ सोप सॉल्यूशन।
और हमारा कई बार क्या होता है कि इसके अंदर में हमारा टैंक से भी जो है लीक हो जाता है, तो इसको हम लोग एक सोप का सॉल्यूशन बना के इसके ऊपर में गिरा के, आपने देखा भी होगा, तो इसका लीकेज पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक जो नॉर्मली सर्फ जो होता है उसका एक घोल बनाएं और उसका सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन को उस एक्यूमुलेट टैंक के ऊपर में डालें, तो जहाँ भी बबल क्रिएट होंगे वो उसका लीकेज पॉइंट होगा, तो उस लीकेज को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करें, दोबारा से उसके अंदर नाइट्रोजन जो है फिल करें आप एक्यूमुलेटर के अंदर में। दूसरा, जब इंटरनल जो मैंने सील डैमेज की बात करी, इंटरनल जब लीकेज होता है तो वो सील के थ्रू होता है, तो वो आप जब बाहर आउटर सरफेस से ये सोप सॉल्यूशन बना के चेक कर लेंगे तो फिर आपका जो लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो वही रहेगा आपका इंटरनल लीकेज का। उसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके एक्यूमुलेटर के अपर पोर्शन के अंदर में आप जब उसको ड्रेन करेंगे तो वो जो ऑयल है वो आपको झाग के फॉर्म में दिखाई देगा, और नीच जहाँ नाइट्रोजन होती है वहाँ भी आपको ऑयल मिलेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो इंटरनल लीकेज है कि नहीं है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं उसकी सील चेंज करके। मोटर एंड कंट्रोल पैनल, इट इज़ यूज टू ड्राइव द हाइड्रोलिक पंप। हमारे हाइड्रोलिक पंप को ड्राइव करने के लिए यूज़ होती है हमारी जो ये मोटर है, और आजकल जो मोटर है हमारी वो ड्राइव वाली मोटर आ रही है, और मैं इसके अंदर यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप वो ड्राइव वाली जो मोटर है आप वही परचेज़ करें, वही डिमांड करें अपने मशीन मैन्युफैक्चर से। उसके अंदर बेनिफिट ये है कि आपका जो नॉर्मली 90 से 95% जो मशीन लोड पे रहती है, मशीन की मोटर जो है वो लोड पे रहती है, वो ड्राइव के बाद मैं समझता हूँ कि वो 60% लोड पे आपकी आ जाएगी, क्योंकि वो जो आरपीएम है वो आपके एप्लीकेशन, आपके ऑयल के फ्लो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो आरपीएम क्रिएट करेगी। तो इट इज़ डायरेक्टली कपल टू हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप के साथ में जो है कपल होती है। द मोटर इज़ लोकेटेड एट द रियर ऑफ द मशीन यूजली और ऑन और एडजेंट टू द रिजर्वायर। जैसा कि आप लोकेशन देख रहे हैं इसकी, रियर साइड में होता है आपका, ये मोटर लगी हुई है, इसके साइड में पंप लगा हुआ है, तो ये जो है आपका ऑयल जो है फ्लो कराने के काम में आती है। फेलियर मोटर ट्रिप ड्यू टू द ओवरहीट, ओवरहीट होने की वजह से ही ये जो पंप है, ये मोटर जो है ट्रिप करती है। और डस्ट ओवर द मोटर कूलिंग फैंस, कूलिंग फैंस पे जो है डस्ट आने के कारण एबनॉर्मलिटी के अंदर में, डस्ट इन द टर्मिनल बॉक्स, एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड, क्लीन द मोटर कूलिंग फिन्स, चेक नो गैप इन द मोटर टर्मिनल। हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप जस्ट मोटर के बाद में लगा होता है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट पिक्चर में भी देखा था, ये इस तरीके का हाइड्रोलिक पंप जो है। और क्रिएट हाइड्रोलिक प्रेशर, इट इज़ मल्टी स्टेज पंप, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग डाई क्लोज्ड, इनके एप्लीकेशन के हिसाब से जो है। अब ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर के अंदर में वॉल्यूम हाई होता है, हाई प्रेशर के अंदर में वॉल्यूम जो है वो लो होता है, मीन्स जब हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है तो ऑयल का जो वॉल्यूम है वो हमें लो रखना होता है, और जब हमारा प्रेशर लो होता है तो उस समय हमारा जो ऑयल का जो वॉल्यूम है हमारा वो हाई रहता है। तो ये पहले जब हमारी मशीनें आती थी तो दो पंप के साथ में आती थी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, बट मैं जिस ड्राइव की बात कर रहा हूँ उसमें आप सिंगल पंप के साथ में अपने मोटर के आरपीएम को चेंज करके आप दोनों ही प्रेशर एक ही पंप से जो है ले सकते हैं। तो इसके अंदर में लो प्रेशर हमारा डाई क्लोज ओपन इजेक्टर फॉर्म्स रिवरेज, और हाई प्रेशर जो है हमारा डाई लॉकिंग एक्यूमुलेटर चार्जिंग के लिए यूज होता है हमारा। हाइड्रोलिक पंप फेलियर, हाइड्रोलिक पंप वर्न आउट, एबनॉर्मलिटी, ऑयल लेवल लो, सबसे बेसिक चीज़ जो क्या है इसके अंदर में कि हमारा ऑयल लेवल लो होगा तो हमारा हाइड्रोलिक पंप जो है वर्न आउट होगा। एक्शन टू बी करेक्ट है, चेक द ऑयल लेवल इन हाइड्रोलिक टैंक। हमें डेली हमारी चेक शीट के अंदर में पॉइंट होना चाहिए कि हमारा हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल जो है वो क्या है,
आपने कल देखा या शिफ्ट की स्टार्टिंग में देखा, आप ऑयल का लेवल जो है डेली अपने चेक पॉइंट में डाल सकते हैं और डालना चाहिए। डाई क्लोजर सिलेंडर, द डाई क्लोजर सिलेंडर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो सिलेंडर है डाई क्लोज करने के लिए यूज़ होता है, जो कि इस टॉगल मैकेनिज्म को जो है मूव कराता है। ये टॉगल मैकेनिज्म जो है आपके मूविंग प्लेटन को मूव करके आगे लेती है और डाई को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती है। द डाई क्लोज सिलेंडर यूज टू ओपन एंड डाई क्लोज द डाई, इट इज़ माउंटेड इन द रियर प्लेटन, आपके रियर प्लेटन में माउंटेड होता है इस तरीके का, मशीन के बैक साइड में, मशीन के मोटर और पंप वाली साइड में ये जो सिलेंडर है दिखाई देता है हमारा डाई क्लोज सिलेंडर। फेलियर क्या है डाई क्लोज सिलेंडर, ऑयल लीक, ऑयल लीक होता है हमारे डाई क्लोज सिलेंडर से। एबनॉर्मलिटी क्या है इसमें, फ्लैश इन द पिस्टन रॉड एंड शेवरॉन पैकिंग वॉर्न आउट। तो इसमें दो तरीके की एबनॉर्मलिटी है, एक तो फ्लैश आना और शेवरॉन पैकिंग वॉर्न आउट, जिसमें ये पैकिंग जो है हमारी वॉर्न आउट हो जाती है। और एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड क्या है, क्लीन द पिस्टन रॉड एंड चेक एंड रिप्लेस शेवरॉन पैकिंग। शॉर्ट सिलेंडर, शॉर्ट सिलेंडर हमारा जिसके आगे हमारी प्लंजर रॉड जो है असेंबल होती है, और हमारा जिसके हेल्प की वजह से शॉर्ट स्लीव के अंदर में जो मेटल पोर हुआ होता है उसको मूव करके हमारे कास्टिंग के अंदर फिल किया जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट सिलेंडर कहते हैं। द शॉर्ट सिलेंडर यूज टू इंजेक्ट द मेटल इन टू द डाई, द शॉर्ट सिलेंडर इज माउंटेड टू द स्टेशनरी प्लेटन, फिक्स प्लेटन पे जो है हमारा माउंट होता है ये। और स्पीड ऑफ द सिलेंडर इज स्लो ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, फास्ट ड्यूरिंग सेकेंड फेज, राइट। और फेलियर शॉर्ट सिलेंडर ऑयल लीक, जैसे हमारा ये भी एक सिलेंडर की तरह है, शॉर्ट सिलेंडर भी जो है क्या है हमारा, जैसे हमारा डाई क्लोज का सिलेंडर था बिल्कुल उसी तरह है, तो फेलियर भी बिल्कुल वही है, ऑयल लीक होना उससे। और इसके अंदर भी रीज़न वही है कि हमारे पिस्टन पे जो है, जो पिस्टन निकलता है हमारा सिलेंडर के अंदर से, उसके ऊपर जो फ्लैशेस हैं वो हमारा उसके ऊपर एक्यूमुलेट होती हैं और वो अंदर जाके हमारे सील को जो है डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारी ऑयल जो है लीक होता है। तो एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड में क्या है, क्लीन द शॉर्ट पिस्टन, रिप्लेस द रॉड सील। अब ये जो रिप्लेस द रॉड सील है ये हमारा करेक्शन है, प्रिवेंशन इसके अंदर यही है कि आप उसको क्लीन रखें, शॉर्ट पिस्टन को क्लीन रखें, और उससे आगे अगर आप जाएं तो आपकी फ्लैशेस को रोकें पिस्टन पे आने से। इजेक्टर सिलेंडर, सम मशीन्स हैव अ सिलेंडर टू एक्टिवेट द इजेक्शन सिस्टम ऑन द डाई, द इजेक्टर सिलेंडर इज माउंटेड टू द मूविंग प्लेटन ऑन द टॉगल लिंकेज साइड, इट इज़ यूज्ड टू मूव इजेक्टर पिंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो टॉगल मैकेनिज्म है इसके आगे में यहाँ पे एक प्लेट होती है, इस प्लेट को इजेक्टर प्लेट कहते हैं, हमारी मशीन की इजेक्टर प्लेट, उस प्लेट को मूव कराने के एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है, तो जो कि हमारी इस प्लेट को मूव कराएगा, और ये सारी की सारी जो प्लेट हैं वो हमारी इस मशीन में लगी बम्पर रॉड और इजेक्टर रॉड को मूव कराएंगी, और वो प्लेटें हमारे डाई की इजेक्टर पिंस को जो है मूव कराएगी, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग जो है वो इजेक्ट होगी। फेलियर क्या है, ऑयल लीकेज इन द इजेक्टर सिलेंडर, सेम जितने भी हमारे सिलेंडर हैं, चाहे वो शॉर्ट सिलेंडर हो, डाई क्लोजिंग सिलेंडर हो, इजेक्शन सिलेंडर हो, इन सब में फेलियर जो क्या है वो हमारा ऑयल लीकेज का है। और इन सब के अंदर में रीज़न क्या है, हमारा सील का वन आउट होना, और इसके अंदर में क्या है, इजेक्टर माउंटिंग बोल्ट्स जो है वो लूज़ हो जाना। तो उसको एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड के अंदर में क्या है कि चेक द टाइटनेस ऑफ द इजेक्टर माउंटिंग बोल्ट ड्यूरिंग द एवरी डाई लोडिंग, रिप्लेस द सील। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर में कि आपके पास ये टाइम होता है चेक करने का और उसको टाइट करने का भी, जब आप डाई लोड करते हैं तो आप उसके अंदर ये चेक पॉइंट डाल सकते हैं कि जब भी आप डाई लोड करें और अनलोड करें तो आप उसके सिलेंडर के माउंटिंग बोल्ट्स जो हैं वो ज़रूर चेक करें कि वो लूज़ तो नहीं है, और उसको अगर लूज़ है तो आप वहीं के वहीं टाइट करें उसको। इंटेंसीफायर, इंटेंसीफायर जो है हमारा, जब हमारे फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़
लग जाते हैं तो एक हमारा इंटेंस और इंस्टेंट जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए, मैक्सिमम प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, वो प्रेशर हमारा ये इंटेंसिफायर जो है क्रिएट करता है, ये प्रोवाइड कराता है। तो डिटेल इसकी, पिस्टन विद स्मॉलेस्ट लार्ज एरिया इंटेंसिफाई प्रेशर जो है प्रोवाइड कराता है, क्लोज ड्यूरिंग थर्ड फेज। थर्ड फेज जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद में जो है श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए जब कास्टिंग फिल हो चुकी होती है, तो जब वो सॉलिडिफाई हो रही होती है तो वो एक श्रिंक होके अपने आप को फॉर्म देने की कोशिश करती है कैविटी के अंदर में, तो उस श्रिंकेज को रोकने के लिए ये इंटेंसिफायर जो है हेल्प करता है इंटेंसिफिकेशन प्रेशर क्रिएट करने के लिए, जो मोस्टली मशीनों के अंदर में 250 से लेके आपका 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकता है इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। फेलियर नाइट्रोजन प्रेशर लो, सेम जैसे हमारा एक्यूमुलेटर में हुआ था वैसे ही जो फेलियर है इसमें भी नाइट्रोजन प्रेशर लो, और सेम इसके अंदर भी जो है जो ऑयल का मिक्सअप हो जाना, उसके अंदर में सील डैमेज हो जाना, वो सारी जो एबनॉर्मलिटी है वो भी इसके अंदर ही होती है, और वही एक्शन हमें इसके अंदर भी लेना है कि हमें आउटर और इंटरनल जो लीकेज है वो चेक करना है और उसको करेक्ट करके दोबारा से नाइट्रोजन जो है फिल करनी है। अगला है प्लंजर टिप लुब्रिकेशन। देखो ये सेशन मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये थोड़ा सा लंबा है और इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बट फिर भी ये जो पोर्शन है मशीन से रिलेटेड जो पोर्शन है वो मैं इसी पार्ट के अंदर फिनिश करूँगा, तो आप बने रहें इसके अंदर में और थोड़ा पेशेंस रखें, हो सके तो इस वीडियो को आप दो बार में सुने, तीन बार में सुने, बट मेरा जो इसके अंदर एम है कि ये मैक्सिमम तीन पार्ट में जो है कवर हो जाए हाई प्रेशर डाइकास्टिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, और ये बहुत ज़रूरी है और ये डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, हर पार्ट से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर पार्ट को जो है इतने डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू रखते हैं इसको, आप बनाए रहिए। तो प्लंजर टिप लुब्रिकेशन क्या है? द प्लंजर टिप लुब्रिकेशन इज यूज टू अवॉइड द वेयरिंग ऑफ टिप एंड शॉर्ट स्लीव। प्लंजर टिप लुब्रिकेशन सिस्टम भी कई मशीन मैन्युफैक्चर जो हैं आप अपने देते हैं, और कई जो हैं आप लोकल मार्केट से अपना असेंबल कराते हैं उसके अंदर में, तो हम यहाँ बात करेंगे इसके अंदर में उसका एप्लीकेशन क्या है, फेलियर मोड क्या है और एबनॉर्मलिटी क्या है और एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड क्या है। द प्लंजर टिप लुब्रिकेशन इज यूज टू अवॉइड द वेयरिंग ऑफ द टिप एंड द शॉर्ट स्लीव। प्लंजर लुब्रिकेशन सिस्टम आपका प्लंजर को वियर आउट होने और शॉर्ट स्लीव को वियर आउट होने से बचाता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लंजर टिप लुब्रिकेशन सिस्टम अवेलेबल, शॉर्ट बेड्स एंड द प्लंजर टिप कोटिंग। दो तरीके के प्लंजर लुब्रिकेशन हमारे मार्केट के अंदर में अवेलेबल हैं, एक तो शॉर्ट बेड्स होते हैं, एक शॉर्ट्स होते हैं, बारीक बारीक जो है शॉर्ट्स होते हैं जिनको शॉर्ट स्लीव के अंदर में डाला जाता है, जिससे मैक्सिमम जो पोर्शन होता है उन शॉर्ट्स का वो ग्रेफाइट का होता है जो एक लेयर बनाते हैं लुब्रिकेशन की शॉर्ट स्लीव और प्लंजर के बेस के अंदर में। और दूसरा प्लंजर टिप कोटिंग, तो इसके अंदर में आपके इस प्लंजर टिप के ऊपर में ऊपर से जो है एक प्लंजर ऑयल की जो ड्रॉप है वो डिप कराई जाती है, जिससे कि एक लेयर जो बनाई जाती है आपके प्लंजर टिप और शॉर्ट स्लीव के बीच में। प्लंजर टिप कोटिंग इज़ ए सॉल्यूशन मिक्स विद द हाइड्रोलिक ऑयल एंड पंप बिटवीन द टिप एंड शॉर्ट स्लीव फॉर एवरी शॉट। शॉर्ट बेड आर सॉलिड बॉल्स प्रोवाइड बिटवीन द टिप एंड शॉर्ट स्लीव फॉर एवरी शॉट्स। तो हर शॉट के बाद में दोनों के दोनों जो ये लुब्रिकेशन सिस्टम है वो काम करते हैं, बट कई इंडस्ट्रीज को जो है शॉर्ट बेड्स को दो शॉट और तीन शॉट के बाद में, यानी दो या तीन साइकिल के बाद में भी यूज़ करती है। दूसरा इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक्सेस यूज़ जो है आपके कास्टिंग की क्वालिटी पे जो है इफ़ेक्ट डालता है,
और नेगेटिव इफेक्ट डालता है इसके अंदर में, एक्सेस यूज ऑफ लुब्रिकेशन, जिससे आपकी गैस पोरोसिटी और अदर डिफेक्ट जो है, फ्लो मार्क्स वगैरह जो हैं वो बन सकते हैं। फेलियर फिल्टर चॉक और एबनॉर्मलिटी, कॉटन वेस्ट इन द टैंक, ओपनिंग इन द टैंक, मतलब खुला रह जाना टैंक का जो है। एक और इसके अंदर एबनॉर्मलिटी है जो प्रैक्टिकली जो मैंने फेस की है वो मैं आपको बताता हूँ, कि जिन प्लंजर ऑयल्स की, प्लंजर लुब्रिकेशन ऑयल की विस्कोसिटी हाई होती है, वो सर्दियों में जब हमारा जो विंटर सीज़न आता है उस सीज़न के अंदर में उनकी विस्कोसिटी और हाई हो जाती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होने की वजह से जो उनकी विस्कोसिटी है वो और हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो पंप जो है हमारा जाम होना चालू हो जाता है, पंप जो है एक प्रॉपर वे में जो है उसको पंप नहीं कर पाता और हमारा प्लंजर की जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिससे हमारा प्लंजर का वियर आउट होना जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कम शॉट्स के अंदर में वो वियर आउट हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी का जो प्लंजर ऑयल है, जिसका हमारे टेम्परेचर का कम इफ़ेक्ट पड़े उसकी विस्कोसिटी पे, वो प्लंजर लूप जो है हमें हमारे सप्लायर से वो लेना चाहिए और ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए जब भी उसका ट्रायल चले प्लंजर ऑयल का, कि आपका ये समर और विंटर दोनों सीज़न के अंदर में उसके टेम्परेचर का इम्पैक्ट ना पड़े उसकी विस्कोसिटी पे। इससे क्या है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो इंक्रीज़ होती है, आपकी रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, स्पेयर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है आपके, इवन आपकी जो प्लंजर के कंज्यूमेबल है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। तो इस बात का जो है ध्यान रखना है आपने, और कभी भी इसका जो टैंक है वो ओपन नहीं छोड़ना है, जिससे जो वेस्ट वगैरह है इसके अंदर ना जाए। और इसका जो पंप है वो बड़ा नाजुक होता है, नाजुक मींस इसका जो पंप है और जो फिल्टर है वो चौक होने के चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। दूसरा क्या है कि कई इंडस्ट्री इस बार बार की आने वाली दिक्कत से, बार बार आने वाली एबनॉर्मलिटी से, जो कि मैंने इसके अंदर बताया कि फ़िल्टर चौक जो हो जाता है, इसको रोकने के लिए फ़िल्टर ही हटा देते हैं वहाँ से और बिना फ़िल्टर के जो है आपका जो पंप है वो चलता है। उसमें नुकसान ये होता है कि आपका पंप जो है ख़राब होता है और पंप जो है सही से फिल्टर, सॉरी पंप जो है नहीं कर पाता आपका ऑयल जो है, प्लंजर लुब्रिकेशन जो है। ऐसे ही अब है लुब्रिकेशन ऑफ मशीन, जैसा कि मैंने फर्स्ट इमेज में बताया था कि ये आपकी टॉगल मैकेनिज्म और आपके शूज़ को लुब्रिकेट करने के लिए यूज होता है आपका। द लुब्रिकेशन सिस्टम इन द मशीन इज़ यूज टू लुब्रिकेट ऑल मूविंग पार्ट्स, मूविंग शू, टाई बार, टॉगल पिन, टॉगल बुश, ATC। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इवन कई मशीनों के अंदर में ये अलार्म के फॉर्म में कनेक्ट होता है मशीन के पैनल से, जैसे ही इसका लेवल कम जाता है मशीन अलार्म करने लगती है। बट कई लोग फिर भी इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, कई लोग इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंस देता है आपकी डाई क्लोजिंग की मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए, आपके पार्ट की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए। और जितने भी ये पार्ट हैं, इसके मूविंग पार्ट हैं, उसके लुब्रिकेशन के लिए, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट इज़ जनरेटेड इन द मूविंग पार्ट, ड्यू टू विच पार्ट वन आउट, पार्ट जो है वन आउट हो सकते हैं अगर ये लुब्रिकेशन ना हो, और वो आपकी कॉस्ट के अंदर में इवन बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों से, एक लुब्रिकेशन के ना चलने से, वो मैं आपको बड़ी पिक्चर में दिखाता हूँ कि जब इसकी टॉगल मैकेनिज्म खुलती है तो ये मशीन कम से कम नहीं तो आपकी 15 से 20 दिन के लिए रिपेयर होने के लिए जाती है। तो वो सबसे बड़ा आपको लॉस है जब अगर ये वियर आउट हो जाता है तो, अगर ये टॉगल मैकेनिज्म वियर आउट हो जाती है तो ये 15 से 20 दिन के लिए मेंटेनेंस में जाती है। तो लुब्रिकेशन चलना बहुत ज़रूरी है। देर आर टू टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज इन PDC मशीन, ऑयल लुब्रिकेशन, ग्रीस लुब्रिकेशन। दो तरीके के लुब्रिकेशन जो है यूज़ होते हैं। और फेलियर मोड के अंदर में नॉइज़ इन द टॉगल मैकेनिज्म, स्टार्टिंग में इसमें नॉइज़ आने लगती है फ्रिक्शन की वजह से। एबनॉर्मलिटी इसमें नो ग्रीस इन द टैंक, ऑयल होज कट
जैसे मैंने पहले भी बताया कि होज़ जो इसकी पाइप होती हैं वो कट जाती हैं फ्लैशेस की वजह से या टॉगल्स की वजह से इसके अंदर में। एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड, इंश्योर ग्रीसेस इन फुल इन द टैंक, चेक फॉर ऑयल होज डैमेज एंड कट, और स्टैंडर्ड साइज की जो होज़ हैं वो ही आप इसके अंदर यूज़ करें। और मनी मशीन मैन्युफैक्चर ने जो गाइड किया है आपको, जिस तरीके का ग्रीस, जिस तरीके का ऑयल, वही इसके अंदर यूज़ करें। डाई हाइट एडजस्टमेंट डिटेल एंड द फंक्शन, इट इज़ यूज टू कम्प्लीट द डाई हाइट एडजस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्विकली। इट इज़ ऑटोमेटिक अरेंजमेंट फॉर एडजस्टिंग इज़ अवेलेबल इन द मशीन फॉर एडजस्टिंग डाई हाइट। अब जैसा आप ये देख रहे हैं पीछे, इसका डाई हाइट एडजस्टमेंट करने का जो मैकेनिज्म है, एक मोटर लगी है, उसके बाद में कई सारे गियर्स हैं जो एक बड़े गियर को जो है ड्राइव करा रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी कि आपकी डाई के विड्थ के अकॉर्डिंग जो है ये डाई हाइट जो है प्लेटन की वो एडजस्ट करनी होती है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपका जो रियर प्लेटन जो होता है उसको मूव कराना होता है। तो उसको मूव कराने के लिए हमारी ये मोटर दी हुई है इसके अंदर में, और उस मोटर के थ्रू ये गियर जो ड्राइव होते हैं और ये प्लेटन को मूव कराते हैं आगे और पीछे, जिससे हमारी मशीन की डाई हाइट जो है वो एडजस्ट होती है। पुरानी जो मशीन हुआ करती थी उसके अंदर में ये मैन्युअली जो है हाथ से घुमा के हमें ड्राइव करना पड़ता था, बट आजकल ये मोटर के थ्रू जो है ईजिली ड्रिवन है हमारी डाई हाइट एडजस्टमेंट जो है। सिंपल मशीन पे जो फ्रंट में खड़े होकर ऑपरेटर जो है इसको एडजस्ट कर सकता है सिंगल स्विच की हेल्प से। पहले की मशीनों के अंदर में ये एक एलन की के थ्रू जो है इसको एडजस्ट कराया जाता था। इट हैज़ गियर टू टाइट और लूज द टाई बार, नट फॉर मूविंग द स्टेशनरी प्लेटन। दिस गियर सिस्टम इज़ रोटेटेड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर एंड अनदर इन हाइड्रोलिक मोटर। बिल्कुल, मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ऐसे ही एक हाइड्रोलिक मोटर भी इसके अंदर आती है जो इसको ड्राइव करने के काम में आती है। फेलियर सीज ऑफ गियर असेंबली, एबनॉर्मलिटी, नो ऑयल इन गियर बॉक्स, नो लुब्रिकेशन। बेसिक्स हमेशा बेसिक्स हैं कि आपका कोई अगर गियर असेंबली सीज हुई है तो उसके अंदर सिंपल रीज़न है कि जो भी लुब्रिकेशन मीडियम दिया हुआ है, ग्रीस और ऑयल, उसका ना होना उसको सीज करता है। एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड, चेक द ऑयल लेवल इन अ गियर बॉक्स। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग इसको मूव बहुत कम कराते हैं डाई हाइट को, इसका यूज़ भी काफ़ी मशीनों पे बहुत कम होता है, क्योंकि कई बार मशीनों पे क्या होता है कि सेम विड्थ की जो डाई है वो हम बार बार लोड करते हैं, तो उसका जाम होना जो है वो बन जाता है और हो जाता है। तो इसलिए हमें उसके अंदर में उसका लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। वॉल्व्स की बात करेंगे हम लोग, जो वॉल्व्स यूज़ होते हैं, वॉल्व्स आर यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ ऑयल फ्लो। जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो इंजेक्शन का हो, चाहे हमारा लो स्पीड का हो, चाहे सेकंड फेज स्पीड का हो, चाहे हमारा वो कास्टिंग को इजेक्ट करना हो, चाहे हमारा वो डाई क्लोज करना हो, जितने भी हमारे हाइड्रोलिक एप्लीकेशन हैं, हमारे कोर को इन और आउट करना हो, ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो हैं हमारे वॉल्व के थ्रू जो है कंट्रोल किए जाते हैं। इनका फ्लो जो है और इनकी जो डायरेक्शन है वो वॉल्व के थ्रू की जाती है। सम ऑफ द वॉल्व्स मे बी मैनुअली ऑपरेटेड, द वॉल्व कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ इंजेक्शन और डाई क्लोजिंग मे बी फिटेड विद द लार्ज हैंड व्हील्स। जो मैनुअली हम लोग कई मशीनों पे ऑपरेट करते हैं अपनी लो स्पीड और हाई स्पीड को मेंटेन करने के लिए, तो दीज वॉल्व आर यूज टू कंट्रोल और शट ऑफ द ऑयल फ्लो। ये सिंपली हमारे ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी जो डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने बताया इंजेक्शन वाला और डाई क्लोजिंग, इन सब की स्पीड को जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं वॉल्व के थ्रू। फेलियर ऑयल लीक इन द वॉल्व, ओरिंग डैमेज एबनॉर्मलिटी के अंदर में, एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड में, रिप्लेस द ऑयल रिंग। दूसरा इसके अंदर में इनका जाम होना भी है, जो इनको हम लोग क्लीन करके और डीजल वगैरह से इनको क्लीन करके भी हम लोग इसको
सही इसके एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिल्टर जो हमारी हाई प्रेशर डाईकास्टिंग मशीन के अंदर फिल्टर यूज़ होते हैं, फिल्टर आर रिक्वायर्ड टू कीप द हाइड्रोलिक फ्लूड क्लीन, जो कि हमारे रियर साइड में हमारे पावर पैक के ऊपर में लगा होता है, हमारे फिल्टर को जो हमारे ऑयल को जो है वो क्लीन करने के लिए। द फिल्टर आर लोकेटेड एट द आउटलेट ऑफ द पंप टू इंश्योर द क्लीन ऑयल इज सेंड टू द वेरियस वाल्व एंड सिलेंडर। देखो हमारा ऑयल जो है हमारे ऑयल टैंक के अंदर से हमारे पंप के थ्रू जब जाता है तो मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए जाता है, और अगर ऑयल के अंदर डस्ट और ये सब चीज़ें गई तो वो मल्टीपल हमारे जो सिलेंडर्स हैं वॉल्व्स हैं उनको चॉक करेगा। तो इसलिए ये एट द स्टार्टिंग ऑफ फ्लो ये फिल्टर दिए होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि क्लीन ऑयल जो है हमारे एप्लीकेशंस के थ्रू जाए, हमारे सिलेंडर को ऑपरेट कराने के लिए जाए, हमारे वॉल्व्स को ऑपरेट कराने के लिए जाए, जिनसे उनके चॉक होने की कंडीशन जो है वो कम हो, उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिपेयर कॉस्ट जो है वो कम हो। द फिल्टर रिक्वायर रूटीन मेंटेनेंस टू मेक श्योर द वर्क प्रॉपरली। स्मॉल डर्ट पार्टिकल इन द ऑयल कैन कॉज वॉल्व्स टू फेल बिकॉज ऑफ द स्मॉल क्लीननेस इन द वॉल्व्स। फिल्टर फेलियर, फिल्टर चॉक एबनॉर्मलिटी, डस्ट इन द फिल्टर एनिमल, डर्टी ऑयल इन द टैंक, एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड, चेक द रिटर्न लाइन ऑयल प्रेशर इन द गेज, रिप्लेस द रिटर्न लाइन फिल्टर एलिमेंट आफ्टर क्लीनिंग द ऑयल टैंक। जब भी आप फिल्टर चेंज करें उससे पहले आपका ऑयल का टैंक जो है वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका फिल्टर जो है दोबारा से चॉक ना हो और एक जो साफ ऑयल जो है, क्लीन ऑयल जो है वो सप्लाई कर सके। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आर यूज टू शिफ्ट वॉल्व टू कंट्रोल द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूड वॉल्व। इन वॉल्व के ऊपर में ही या इन वॉल्व पे ही माउंट होता है हमारा सोलेनॉइड वॉल्व जो है, जो ये ऑयल के फ्लो की डायरेक्शन को जो है कंट्रोल करता है, और ये एक स्पूल को ऑपरेट कराता है अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। और ए सोलेनॉइड इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट शिफ्ट ए मेटल कोर। जो मैं स्पूल की बात कर रहा हूँ वो मेटल कोर है। दिस कोर इज अटैच टू वॉल स्पूल टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑयल फ्लो। ऑयल फ्लो की डायरेक्शन को फिर डिसाइड करता है आपका स्पूल की मूवमेंट जो है। फेलियर सोलेनॉइड बर्न, जो सोलेनॉइड है वो बर्नट हो जाती है। एबनॉर्मलिटी क्या है इसमें, डस्ट एंट्री इन द सोलेनॉइड, नो कवर ऑफ द सोलेनॉइड, फ्लैश इन द सोलेनॉइड, स्पूल स्ट्रक अप, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ये बड़े कॉमन इसके अंदर एबनॉर्मलिटी हैं जिसकी वजह से ये फेलियर जो है सोलेनॉइड वॉल्व का होता है। तो इसके अंदर प्रैक्टिकली होने वाले रीज़न है सबसे ज़्यादा वो फ्लैशेज हैं, कि आपका कवर ओपन है जिसके अंदर आपका सोलेनॉइड के ऊपर कोई कवर नहीं, जिसमें फ्लैशेज जाती हैं, एल्युमिनियम की फ्लैशेस हैं जो आपके सर्किट को शॉर्ट भी कर सकती हैं। स्पूल स्टक अप, जो डस्ट और ये फ्लैश के जाने से वो स्पूल जो है स्टक अप हो जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपका वॉल्व जो है ओपन करके वो डीजल से साफ़ करके उसको क्लीन करके दोबारा से फंक्शन करने लायक बनाते हैं हम लोग। हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी वो बंट होने के चांस जो है उसके बढ़ जाते हैं। एक्शन टू बी करेक्टेड प्रिवेंटेड, क्लीन द कोर सोलेनॉइड फ्री फ्रॉम द डस्ट, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सोलेनॉइड कवर, क्लीन द इंजेक्शन सोलेनॉइड फ्री फ्रॉम द फ्लैशेस, चेक एंड क्लीन द स्पूल, चेक एंड रेगुलेट द वोल्टेज। लिमिट स्विच, लिमिट स्विच हमारे इस डायग्नोस्टिक मशीन में कई जगह यूज होते हैं। लिमिट स्विच आर द सेंसर इज यूज टू सेंस द पोजिशन ऑफ डोर्स, जो हमारे सेफ्टी डोर्स हैं उसको सेंस करने के लिए, उसकी पोजीशन को सेंस करने के लिए लिमिट स्विच यूज़ करते हैं। एंड गार्ड्स, सिलेंडर एंड अदर मूविंग कंपोनेंट ऑन द डाई कास्टिंग मशीन, जो हमारा डाई क्लोजिंग ओपनिंग, ये स्प्रे की मूवमेंट, हमारे एक्सट्रैक्टर की मूवमेंट, इन सब कास्टिंग जो इजेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करता है उसकी मूवमेंट को, उसकी पोजीशन को सेंस करने के लिए हमारे लिमिट स्विच जो है
वो यूज होते हैं। दे आर लोकेटेड इन मैनी डिफरेंट प्लेस ऑन द डाई कास्टिंग मशीन। ब्रोकन कनेक्टर एंड एक्सपोज वायरिंग एट लिमिट स्विच शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली इन ऑर्डर टू एश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन। हमारे ये डिफरेंट पोजिशंस पे जो है लिमिट स्विच लगे होते हैं, कई जगह ओपन होते हैं, कई जगह कवर के साथ गार्ड के साथ लगे होते हैं, तो इनका जो वायरिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ओपन वायरिंग नहीं होनी चाहिए। इनके जो वायरिंग है वो कट मार्क्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर में। फेलियर, लिमिट स्विच स्टक अप, लिमिट स्विच शॉर्ट सर्किट, दो तरीके के इसके अंदर फेलियर होते हैं। और एबनॉर्मलिटी इसमें जो होती है वो मॉइस्चर एंट्री, नो कवर, मेटल फ्लैश इन द लिमिट स्विच। तो मॉइस्चर एंट्री इसके अंदर में आने से इसको शॉर्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, कवर ना होने से इसमें फ्लैश जाने से चांस ज़्यादा हैं, डस्ट जाने के चांस ज़्यादा हैं, जिससे इसके स्टकअप होने के चांस बढ़ जाते हैं इसमें। तो एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटिव के अंदर में क्या है, क्लीन द कोर लिमिट स्विच ड्यूरिंग एवरी डाई लोडिंग, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कवर इन सोलेनॉइड, क्लीन द मेटल फ्लैश इन द इंजेक्शन लिमिट स्विच। हाइड्रोलिक सिस्टम, द डाई कास्टिंग मशीन फंक्शन आर ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम। जितना भी हमने अभी समझा काफ़ी हाइड्रोलिक सिस्टम की ही हम बात कर रहे थे अभी तक। ए फ्लूड यूजली फायर रेजिस्टेंस ऑयल इज यूज टू पावर द सिलेंडर दैट मेक द मशीन मूव। जो फायर रेजिस्टेंस ऑयल जो है इसके अंदर यूज होना चाहिए। द हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट एट अ हाई प्रेशर एंड हाई फ्लो रेट। ये जो बात हो रही है इसके अंदर में कि फायर रेजिस्टेंस ऑयल जो है वो यूज़ होता है इसके अंदर में, काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ भी होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि रेड कलर का ऑयल होता है इसके अंदर में, इसके बेनिफिट ये होते हैं कि ये ऑयल रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से एक बड़ा फायर का जो एक्सीडेंट है वो होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे कि ये पॉइंट जो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि फायर रेजिस्टेंस होने से इसके एक्सीडेंट, एक बड़ा एक्सीडेंट रोकने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। दिस हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट एट अ हाई प्रेशर एंड हाई फ्लो रेट्स। फेलियर, हाइड्रोलिक प्रेशर लो, जब हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होता है तो उसका जो है वो एबनॉर्मलिटी, ऑयल टेम्परेचर हाई और ऑयल लीकेज। एक्शन टू बी करेक्टेड प्रिवेंटेड में, चेक फॉर ऑयल लीक इन द वॉल्व एंड कोर होसेस, चेक द ऑयल टेम्परेचर। अब ये जो लीकेज चेक करने की बात है कोर होसेस, इसका जो मैक्सिमम जो वेस्टेज होता है और जो लीक होता है हमारे कोर होसेस से होता है। जब हमारी कोर यूज़ में नहीं होती हैं तो हम लोग इसको लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद में हम लोग, क्योंकि ये बैक साइड में होती है हमारी कोर मशीन के जहाँ ऑपरेटर नहीं होता है, और वहाँ से ऑयल जो है लीक जो है ड्रॉप 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 करके जो है होता है इसके अंदर में। और कई बार क्या होता है कि यूज़ करने के बाद में हम इसको लॉक करना भूल जाते हैं, जिससे पंप ऑन करते ही इंस्टेंट ऑफ ऑयल वेस्टेज जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है इसके अंदर में काफ़ी। चेक द ऑयल टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर का भी एक गेज होता है मशीन के, जहाँ पे ऑयल इंडिकेटर होता है, ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है, वहीं पे ही इसका एक टेम्परेचर गेज भी होता है जिसके अंदर हम लोग इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है इसके अंदर में कि आपके सील के डैमेज होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा हैं, जिससे लीकेज होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम यूज टू कूल हाइड्रोलिक ऑयल एंड डाई। हमारी जो डाइज हैं उसको कूल करने के लिए, हमारे हाइड्रोलिक ऑयल को जो कूल करने के लिए वाटर सिस्टम का जो है, वाटर कूलिंग लाइन का जो है यूज़ जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। डाई टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 250 डिग्री। ऑयल टेम्परेचर शुड नॉट बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको कि ऑयल का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बोला जा रहा है, बट मैक्सिमम जो हाइड्रोलिक ऑयल हैं जो डिफाइन होते हैं वो 48 डिग्री पे उनका जो इंडेक्स है, पैरामीटर जो है, मतलब जो प्रॉपर्टी अपनी चेंज नहीं करेंगे वो 48 डिफाइन हो जाता है। तो आप इसको अपने स्टैंडर्ड के लिए
ये तो एक फाइनल पैरामीटर है, 50 डिग्री से जाने पे ये नुकसान करेगा। तो आप सेफ्टी पॉइंट से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है 45 डिग्री जो है ले सकते हैं कि 45 डिग्री से ऊपर ना जाए आपका टेम्परेचर जो है। फेलियर में प्लंजर टिप सीज हो सकता है, अगर हमारा वाटर जो है कूलिंग ना चले तो प्लंजर टिप सीज हो सकता है, ऑयल टेम्परेचर जो है वो हाई हो सकता है। दूसरा इसके अंदर फेलियर जो है हमारा डाई का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फ्लैश जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और एबनॉर्मलिटी में नो कूलिंग वाटर लाइन फ्लो इन लाइन, नो कूलिंग वाटर फ्लो इन हाइड्रोलिक ऑयल कूलिंग लाइन, एक्शन टू बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड के अंदर में चेक द फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर इन द प्लंजर टिप लाइन, हमारी प्लंजर टिप के अंदर में कूलिंग जो है चल रही है या नहीं चल रही है उसको चेक करने के लिए हम लोग फ्लो मीटर भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग उसके अंदर में डेली चेक पॉइंट में भी डाल सकते हैं जो हमारे हेड के अंदर में दिखाई भी देता है। और चेक द ऑयल टेम्परेचर इन द गेज, जो मैंने बताया कि आपके बेस के अंदर में, मशीन के बेस के अंदर में लगा होता है। ट्रिमिंग प्रेस, ट्रिमिंग प्रेस इज द हाइड्रोलिक ऑपरेटेड प्रेस यूज टू रिमूव द ओवरफ्लो एंड द बिस्किट इन द कास्टिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द PDC मशीन विद इज ऑपरेटिंग वर्टिकली। इन दिस प्रेस कास्टिंग इज कीप्ड इन द डाई एंड डाई इज क्लोज, नाउ द कास्टिंग इज टेकन आउट आफ्टर द टाई ओपन विच इज फ्री फ्रॉम द ओवरफ्लो एंड द बिस्किट एंड रनर्स। बेसिकली क्या है कि हम लोग इसके अंदर पूरा शॉट जो है रखते हैं डाई के अंदर में ट्रिमिंग प्रेस के बीच में, और जब हम ट्रिमिंग मशीन को प्रेस को जो ऑपरेट करते हैं तो वो पार्ट जो है एक फ्लैश फ्री, ओवरफ्लो फ्री, बिस्किट फ्री, रनर फ्री जो है पार्ट निकल के आता है फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन। फेलियर कास्टिंग बिस्किट आर नॉट रिमूव प्रॉपरली, और इसमें जो फेलियर आता है हमारे को वो कास्टिंग बिस्किट जो है प्रॉपरली जो है जो हम बात कर रहे हैं रनर की वो प्रॉपरली जो है कटिंग नहीं हो पाता है। एबनॉर्मलिटी क्या है, ओवरफ्लो इनसाइड द डाई। अब कई बार क्या होता है कि हमने कई जगह इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, कई बार कई जगह इसको रोबोटिक की हेल्प से जो है ऑपरेट किया जाता है, तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डाई के अंदर में ओवरफ्लो जो है वो ना रह जाए। एक्शन टू बी करेक्टेड प्रिवेंटेड, क्लीन द डाई बिफोर नेक्स्ट लोडिंग। रोबोट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे ऑटो लैडलिंग और हमारे एक्सट्रैक्टिंग के एप्लीकेशन में जो यूज़ होता है, रोबोट इज़ यूज टू रिमूव द कास्टिंग फ्रॉम द मशीन ऑटोमेटिकली। After die open, the robot moves inside the machine and pick up the casting and keep in the required position. Required position चाहे आपको वो कूलिंग करने के लिए रखना है पार्ट, या आपको कहीं डायमेंशन चेक करने के लिए रखना है, डायमेंशन चेक करने के बाद में फिर ट्रिमिंग प्रेस पे रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोबोट को आप गाइड कर सकते हैं, आप उसके प्रोग्राम में जो है उसको गाइड कर सकते हैं। रोबोट इज इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेटेड इक्विपमेंट, इट हैज सिक्स एक्सेस में ये रोबोट जो है काम कर सकता है। टू रोटेट इन दीज एक्सेस सिक्स मोटर आर यूज, तो सिक्स एक्सेस है तो सिक्स मोटर जो है यूज़ होंगे, दे आर सर्वो मोटर्स। द ग्रिपर यूनिट इज न्यूमेटिक ऑपरेटर, दिस इज यूज टू कैच द कास्टिंग फ्रॉम द डाई। फेलियर की बात करें हम लोग तो रोबोट ओवर करंट अलार्म कास्टिंग फेलियर फॉलन फ्रॉम द रोबोट। एंड एबनॉर्मलिटी जो ये फेलियर होते हैं उसकी जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो होती हैं मॉइस्चर एंट्री इन द जंक्शन फॉक्स, एयर लीक इन द ग्रिपर यूनिट, गार्ड माउंटिंग स्क्रू लूज, एयर होज रबिंग इन द आर्म। एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड क्या है इसमें, क्लीन द मॉइस्चर इन द जंक्शन बॉक्स, इंश्योर नो एयर लीकेज इन द होज। इसमें जो एयर लीकेज का जो पार्ट है वो बड़ा क्रिटिकल है कि एयर लीकेज इसके अंदर में होना मीन्स एक बड़े एक्सीडेंट को भी इनवाइट करना है, तो इसके अंदर में एयर लीकेज नहीं होना चाहिए, इसके जो होज हैं वो कवर होने चाहिए। चेक द माउंटिंग स्क्रू टाइटनेस ऑफ द गार्ड, इंश्योर नो होज इज रबिंग इन द आर्म यूनिट।
मतलब कोई भी आम प्रॉपर जो है वो टाइट होनी चाहिए, जो इसकी होज हैं वो कहीं भी हैंगिंग पोजीशन में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक बड़ा यहाँ एक्सीडेंट जो है होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर में। ऑटो स्प्रेयर इज़ ऑटोमेटिक डाई कोट स्प्रेइंग यूनिट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटो स्प्रेयर, न्यूमेटिक ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड। न्यूमेटिक में हमारा जो इनकी जो आर्म्स को मूव कराने के लिए एक न्यूमेटिक सिलेंडर यूज़ होता है, सेम दूसरी तरफ इसको हम लोग मोटर की हेल्प से भी जो है मूव करा सकते हैं, बट मोस्टली जो है ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड जो ऑटो स्प्रेयर हैं वो यूज़ होते हैं। आफ्टर डाई ओपनिंग द स्प्रेयर ऑटोमेटिकली मूव इनसाइड द मशीन एंड स्प्रे द डाई कोट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। ये भी हमारी मशीन के कंट्रोल पैनल से जो है कनेक्ट होता है, जिसमें हम लोग इसको गाइड कर सकते हैं कि कितने सेकंड के लिए आपको स्प्रे करके जो है वापस आना है। फेलियर क्या है? डाई कोट ब्लॉकेज एंड एबनॉर्मलिटी इसके अंदर में, डस्ट स्टोरेज इन द स्प्रे हेड, वेस्ट ब्लॉकेज इन द सक्शन। एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड इसके अंदर में, क्लोज द लिड ऑफ द डाई कोट टैंक, फ्लैश द ऑटो स्प्रे वाइल स्टॉपिंग द ऑटो स्प्रे। ऑटो लैडल, ये तीनों एक्सेसरीज हैं जो हमने अभी बात करी है, रोबोट की जो कास्टिंग को एक्सट्रैक्ट करने काम आता है, ऑटो स्प्रे जो हमारे डाइकोड को स्प्रे करने के काम आता है, तीसरा ऑटो लैडल। ऑटो लैडल इज यूज टू पोर द मोल्टन मेटल इन द मशीन ऑटोमेटिकली। हमारे शॉर्ट स्लीव के अंदर में जो मोल्टन मेटल है वो होल्डिंग फर्नेस से हमारे शॉर्ट स्लीव में पोर करने के लिए जो ये यूज़ होता है वो ऑटो लैडल है। देर आर थ्री टाइप ड्राइव यूज इन ऑटो लैडल, चैन ड्राइव, गियर ड्राइव, डायरेक्ट मोटर ड्राइव। तीन तरीके की ड्राइव इसके अंदर में यूज़ होती हैं हमारी, चैन ड्राइव, मोटर ड्राइव और गियर ड्राइव। द स्पून फॉर ऑटो लैडल शुड बी करेक्ट साइज, जो जो ये हम लैडल कप जिसको बोलते हैं वो करेक्ट साइज का हमारा होना चाहिए। फेलियर इसमें प्रॉब वायर शॉर्ट एंड प्रॉब नॉट सेंसिंग। प्रॉब से मतलब इनका ये है कि इस लैडल के ये साइड में ये जो प्रॉब लगी होती हैं ये हमारे मेटल को सेंस करने में हेल्प करती है कि हमारा होल्डिंग फर्नेस में कितना लैडल डिप करेगा, उसको सेंस करने के लिए ये प्रॉब लगाई जाती हैं। तो उसमें दो तरीके के फेलियर आते हैं, एक तो वायर शॉर्ट होने का और प्रॉब नॉट सेंसिंग इसके अंदर में, जो कि एल्युमिनियम के चिपक जाने की वजह से इसके अंदर होता है, वायर कट जो है इसके अंदर में फ्लैशेस की वजह से होता है। तो ये इसके अंदर एबनॉर्मलिटी में लिखा भी हुआ है, एल्युमिनियम स्टिक इन द प्रॉब वायर, नो अप्लाइंग ऑफ कोटिंग, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग। अब दोनों ही चीज़ें जो है इसके अंदर में खतरनाक हैं, क्या अगर आप ये कन्फ्यूज़न रहता है कई प्रैक्टिकल, अगर आप शॉप फ्लोर पे आप देखें तो इसमें डिस्कशन भी होता है कि कोटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए प्रॉप के ऊपर में। तो कोटिंग होनी चाहिए, सिंगल कोट आप इसके अंदर में कर सकते हैं, एक थिन लेयर जो है इसके ऊपर में आप चढ़ा सकते हैं, बट एक्सेस आप अगर इसके अंदर चलाएंगे तो वो सेंस करने में इसको हेल्प नहीं करेगा। तो एक्शन टू बी करेक्टेड एंड प्रिवेंटेड, क्लीन द प्रॉप, अप्लाई वन कोट ऑफ लैडल कोट। राइट, होल्डिंग फर्नेस, होल्डिंग फर्नेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होल्डिंग फर्नेस इज़ ए इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द मोटल मेटल इन रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ कास्टिंग। दे आर टू टाइप यूज इन द फाउंड्री, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग होल्डिंग फर्नेस एंड मेल्टिंग कम होल्डिंग फर्नेस, ऑयल ऑपरेटेड जो हमारी डीजल ऑयल से जो है चलती हैं। इन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होल्डिंग क्रूसिबल इज यूज टू होल्ड द मोटल मेटल, द क्रूसिबल मटेरियल इज सिलिकॉन कार्बाइड। जो इस होल्डिंग फर्नेस के अंदर क्रूसिबल यूज़ होती है हमारी, जो कि मोल्टन मेटल को होल्ड करती है, वो सिलिकॉन कार्बाइड की होती है। इन ऑयल फायर्ड मेल्टिंग कम होल्डिंग फर्नेस रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर यूज्ड, उसके अंदर में हमारी ये जो क्रूसिबल है वो सिलिकॉन कार्बाइड की ना होके रिफ्रैक्टरी ब्रिक की हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग इसके अंदर में ऑयल फायर्ड मेल्टिंग फर्नेस यूज़ करते हैं। तो फेलियर की अगर हम बात करें तो इसमें
फर्नेस टेम्परेचर लो और क्रूसिबल ब्रेकेज दो तरीके के फेलियर जो है इसमें होते हैं। एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से ये जो फेलियर होते हैं वो है हमारा पायरोमेटेड मेल्टर, पायरोमीटर मेल्टेड मीन्स थर्मोकपल और पायरोमीटर जो है वो मेल्ट हो जाना। कई इंडस्ट्रीज़ में हमारी जो है पायरोमीटर यूज़ होते हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, होल्डिंग फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और कई इंडस्ट्री में जो है वो थर्माकपल जो है हमारे वो यूज़ होते हैं। तो थर्माकपल जो है हमारे वो मेल्ट हो जाना, डैमेज हो जाना, जिनका काम ना करना, पायरोमीटर का काम ना करना, थर्मोकपल का काम ना करना, जिसकी वजह से ये फर्नेस का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। और दूसरा है मेटल पोर्ड इन लो टेम्परेचर, मेटल का जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हमारी होल्डिंग फर्नेस के अंदर पोर करने पे जो क्रूसिबल का जो एरिया है वो उस पर हमारा जो मेटल है वो स्टिक हो जाता है, और जिसकी वजह से जो क्रैक होने के चांसेस हैं हमारे क्रूसिबल के वो बढ़ जाते हैं। एक और रीज़न है इसके अंदर में एबनॉर्मलिटी जो नॉर्मली जो है पाई जाती है हमारी इंडस्ट्री में, वो ये है कि हमारी जो होल्डिंग फर्नेस है वो टाइम टू टाइम क्लीन ना होने की वजह से क्या है कि वो एक स्लैग की, ड्रॉस की और एक लेयर जो है वो बनती जाती है उसके ऊपर में, और जो उसकी एफिशिएंसी को, होल्डिंग फर्नेस की एफिशिएंसी को तो कम करता ही करता है, दूसरा उसके अंदर में क्रूसिबल के एक अनवांटेड टाइम पे, एक अनप्लान्ड टाइम पे ब्रेक होने के चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि आप इसके क्लीन करने के जो प्लान है, जो इसको क्लीन करने की फ्रिक्वेंसी है वो ज़रूर डिसाइड करें, हर पोरिंग के बाद इसकी क्लीन जो है वो ज़रूर करें, और वीकली, मंथली और 15 डेज का क्लीननेस का प्लान जो है वो ज़रूर रखें। क्लीन करने का जो मेथड है वो भी इसके अंदर में आप फॉलो करें, इसको एक प्रॉपर फ्लक्स के साथ में जो है इसको क्लीन करें। कवरऑल 88 जो है आप क्लीन करने के लिए इसकी सरफेस को, क्रूसिबल की सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक हैं ये चीज़ें कि आपको फॉलो करने से काफ़ी जो फ़ायदे हैं वो हो सकते हैं। हो सकता है कि एक चीज़ करने से आपको काफ़ी लार्ज पिक्चर ऑफ प्रॉफिट जो है ना दिखाई दे, बट जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक साथ जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ी पिक्चर जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी पिक्चर जो है आपको दिखाई दे सकती है इसके अंदर में। बट चीज़ें हमारे अंदर क्या है कि हमें एकदम से एक बड़ी पिक्चर चाहिए होती है। आप बेसिक अडेयर कीजिए, आप चीज़ों से कनेक्ट होइए, आपको ज़रूर एक बड़ी पिक्चर ज़रूर ज़रूर दिखाई देगी इसके अंदर में। तो बेसिक अडेयर कीजिए, ये पहला पार्ट था हमारा बेसिक ऑफ हाई प्रेशर डाइगास्टिंग। तो जैसे मैंने बताया तीन पार्ट में हम इसको फिनिश करेंगे, तो पहला पार्ट आज फिनिश होता है हमारा ये, और काफ़ी लंबा हो गया और मेरी आंखें जो हैं ये भी दर्द फ्री कर रही हैं इसके अंदर में, जिसको मैं बार बार बीच में मॉइस्चराइज करने की कोशिश कर रहा था। बट एनीवे, तो सेकंड पार्ट जो है हम लोग इसके अंदर में नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।